मुझे माफ कर दो राधा जी, प्लीज बंद करो अपना ये नाटक। तुम लोग इस घर में रहने के लायक नहीं हो। चलो सामान उठाओ। अब तुम लोग इस घर में एक पल के लिए नहीं रहो। उठाओ सामान। नहीं नहीं, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं माफ कर दो प्लीज दीदी, छोड़ दो। तुम लोगों की यही सजा है। अकेले रहोगे तो पता चलेगा कि परिवार की अहमियत क्या होती है। नहीं, चलो नहीं, 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 नहीं। नाटक का किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा, क्या करूं? रुक जाओ, इन दोनों को माफ कर दो। राधा, राधा, इन दोनों ने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं। मैं जानती हूं आची, जाने अनजाने में इन दोनों से गलती जरूर हुई है, लेकिन पूरे परिवार के सामने ये दोनों अपनी गलती के लिए माफी भी तो मांग रहे हैं। अपनी गलतियों के लिए उन्हें पछतावा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं। इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। अपनों से जुदाई क्या होती है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। अविनाश यहां से चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। इस दुख से मैं अभी भी उबर नहीं पाई हूं। और मैं नहीं चाहती कि इसी दुख से ये दोनों गुजरे। कभी नहीं चाहूंगी मैं। भगवान किसी को अपनों से जुदाई ना दे। मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं। इन्हें माफ कर दो। वाकई राधा, सजा देना सबको आता है, लेकिन माफी देना सबके बस की बात नहीं। एक बार फिर तुमने हम सबको गलत साबित कर दिया। तुम्हारी सच्चाई पर उंगली उठाने की कोई वजह ही नहीं थी। हम सब तुम्हारे कसूरवार हैं। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सबसे ये गलत फहमी हो गई राधा, हमें माफ कर दो। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को यह एहसास हो कि राधा ने इस घर और परिवार की तन मन से सेवा की है, इसीलिए तो उसे इस घर में इतना मान मिला है, सम्मान मिला है। इसलिए दो दिन किसी की मदद लिए बगैर वो सारा काम करोगी जो राधा अकेली करती आई है। मंजूर है?
हेलो आई। अरे राधा कैसी है बेटा, और ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अविनाश, मंदिरा, मेघना कैसे हैं सब? सब बिल्कुल ठीक है बेटा। उनके आने से घर फिर से भरा भरा लगने लगा। तू अविनाश की बिल्कुल चिंता मत करना बेटा। मैं जानती हूँ आई, मेरी वजह से आपके दिल को चोट पहुंची है। अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन आई जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी की वजह से हुआ, और अब ये गलत फहमी दूर हो गई है आई। और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं अविनाश को फिर से मनाकर यहाँ नासिक ले आऊंगी। नहीं बेटा, बेटी के ससुराल से मायका जितना दूर हो उतना ही अच्छा है, शायद इसी में सबकी भलाई है। अपना ख्याल रखना बेटा, और अपने ससुराल वालों का भी, अब वही तेरा परिवार है। मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं जानता हूँ चिंकी और पिंकी ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है, फिर भी तुमने उन्हें रोक लिया। उनकी गलती माफी के लायक नहीं थी। मैं मानती हूँ श्लोक, उन दोनों में बचपना जरूर है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। और फिर भगवान भी एक बार गलती माफ कर देते हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है राधा, लेकिन इस दुनिया का दिल इतना बड़ा नहीं। और पता नहीं कि चिंकी और पिंकी को इस गलती का एहसास है भी या नहीं। एक बार की तो मैं घबराई गई थी दीदी कि कोई भी हमें नहीं रोकेगा। और देखो ना दीदी, हम तीनों बहनें मिलकर जिसे घर से बाहर निकालना चाहती हैं, आज उसी ने हमारी दूसरी एंट्री करवा दी। ये तो होना ही था। इस परिवार की एक ही तो कमजोरी है, भावनाएं। भावनाओं का जरा सा नाटक कर लो और फिर एक के बाद एक पूरे परिवार वाले इमोशनल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। देखा तुम लोगों ने, तुम्हारे लिए सबसे पहले राधा का दिल पिघला, और उसके बाद उसने सबको कन्विंस कर लिया, पूरे परिवार को मना लिया। इसे कहते हैं पहले चोरी और फिर सीना चोरी। वादा करो मुझसे कि तुम लोग राधा को वही इज्जत दोगे जो तुम मुझे देते हो। तुम लोग आज के बाद कोई गलती नहीं करोगे जिसके वजह से ये पूरे परिवार वालों को कोई नुकसान हो, उनके दिल में कोई ठेस पहुंचे। अगर तुम लोग मुझे वादा नहीं करोगे ना, मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। अरे श्लोक, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर आओ। इन्हें अच्छी तरह समझा दो रोशनी।
अपनों का दिल सच्चाई से जीता जाता है, गलतफहमियों से नहीं। दोबारा कभी नजरें झुकाने की जरूरत ना पड़े। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, चलता हूं। अरे यार, मुझे नहीं लगता अब हम दोनों में से किसी के भी साथ इसका चक्कर चलेगा। मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुम्हारी एक गलती ने हमारे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। हमें हर कदम अब फूक फूक कर रखना होगा। उस राधा ने तो फिर से पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। इस घर से राधा का बोरिया बिस्तर बंधवाने के लिए हमें कोई नया खेल खेलना होगा। राधा, ये क्या कर रही बेटी? खाने की तैयारी कर रही हूँ, और क्या? नहीं बेटा, दो दिन तक तू कोई काम नहीं करेगी। भूल गई तो? क्या फैसला किया था मैंने? दो दिन तक तुम्हारे ये सारे काम चिंकी और पिंकी करेंगी। आजी, आप भी ना। चिंकी पिंकी। जी दादी। जी दादी। चलो शुरू हो जाओ। क्या कहा था मैंने? दो दिन तक राधा के सारे काम तुम दोनों को करने हैं, याद है ना? जी जी। भूली तो नहीं? नहीं नहीं। चलो शुरू हो जाओ। जी। हेलो जी, ये रही सब्जी और ये रहा चाकू, ये रही परात और ये रहा आटा। चलो बेटा शुरू हो जा। मम्मी चले? हाँ जी हाँ। चलो जी। मेरे दोनों प्यादों के वजह से मेरी पूरी बाजी पलट गई। अब मुझे ऐसी चाल चलनी है बस शर और मात। हेलो। अच्छा सुनो, शाम को मैंने संकट मोचन मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया है, तुम वहीं आ जाना। हाँ ठीक है। मैं आज शाम को तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ, वहीं से साथ में चलेंगे। नहीं ऑफिस नहीं, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। क्यों, हम साथ साथ नहीं जा सकते? साथ साथ जरूर जा सकते, लेकिन आज नहीं। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मुझे नंगे पैर पैदल चलकर पहुंचना होगा। पैदल? नंगे पांव? श्लोक, संकट मोचन मंदिर तुम्हारे ऑफिस से कम 7 किलोमीटर तो दूर होगा ना? तो क्या हुआ, भगवान ने मन्नत पूरी कर दी, अब मैं अपना वादा पूरा कर रहा। मैं पूछ सकती हूँ कि ये मन्नत किस बात के लिए मांगी गई थी? यही मन्नत मांगी थी ना कि मेरी खुशियां मुझे वापस मिल जाए।
जवाब नहीं दोगे? राधा, राधा, जब एक के बाद एक तुम पर इल्जाम लग रहे थे ना, तो कोस रहा था अपने आप को, अफसोस हो रहा था अपने आप पर कि मैं तुम पर लगे इल्जाम अपने हिस्से क्यों नहीं ले सकता, क्यों तुम्हारे आंसुओं को मैं खुशी में नहीं बदल सकता। तब मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि जिस दिन तुम पर लगे सारे इल्जाम छोटे साबित होंगे ना, जिस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी हंसी लौटा सकूंगा, उस दिन चलकर आऊंगा नंगे पैर उनके मंदिर में। इतना प्यार करते हो मुझसे क्यों? तुम नहीं करती? श्लोक, मैं ऑफिस आ रही हूं। लेकिन राधा। हाँ। मैं तुम्हारे साथ 7 किलोमीटर तो क्या, 7 जन्म भी नंगे पैर चलने के लिए तैयार हूं। क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ दीदी, मुझसे नहीं होगा, पता है एक ही दिन में क्या हालत कर दी है मेरी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3-4 दिन के अंदर मैं तो किसी को नजर ही नहीं आऊंगी। और यहाँ पर हम नौकरानियां बनने नहीं आए थे दीदी। हाँ। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। पागल हो गए? तुम्हें अपनी दीदी पर विश्वास नहीं रहा? देखना, बहुत जल्द ये घर, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारा हो जाएगा। और फिर तुम दोनों राज करोगी राज। पता नहीं दीदी वो दिन कब आएगा, कभी आएगा भी या नहीं। आप प्रॉपर्टी की बात करिए, एक फूटी कौड़ी नहीं है अब तक आपके नाम। शट अप सर, योर माउथ। अगर मैंने तुम दोनों की तरह जिंदगी से हार मान ली होती ना, तो आज इस वक्त यहाँ इस घर में नहीं होती। सोच लिया, सब सोच लिया है ना। इस बार में सबसे बड़ी चाल चलने जा रही है, जिसके बाद राजा की होगी शे और रानी की होगी मां। इस घर की खुशियों को खत्म करने के लिए लगता है मुझे नई खुशियां पैदा करनी है।